गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी 6 बज रहे हैं, हम लोग उठ चुके हैं। जाना निकलना अर्ली था लेकिन हम लोग इसी टाइम निकल रहे हैं, मतलब लेट हो गया क्योंकि रात सोए भी बहुत लेट है। तो अभी नाउ वी आर ऑन अ वे बैक होम। अब सुबह सुबह हमें अपना जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना है, तो वो होगा अराउंड आई थिंक अभी यहाँ से 15-20 मिनट दूर है, तो वो बॉर्डर क्रॉस करना है। वहाँ पर पता नहीं कितनी लंबी लाइन होगी। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, यू गाइस कैन सी इट फ्रॉम माई फेस, मेरी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई है। बट नाउ वी आर ऑन अ वे बैक होम और आई थिंक अगर हम अभी निकलते हैं, अभी 6 o'clock एग्जैक्ट हो रहा है, तो आई थिंक विद इन लाइक 3 या 4 बजे के करीब अगर हम ब्रेक्स लेके भी जाते हैं बीच में तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। ठंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, विच इज़ सो सरप्राइजिंग, क्योंकि मेरे घर वाले एरिया की तरफ ठंड होनी शुरू हो गई, सो यू कैन नॉट बी देयर विदाउट अ जैकेट। बाय द वे मैंने अभी जैकेट पहनी है क्योंकि मुझे नहीं पता बाहर का वेदर कैसा होगा, बट ठंड अंदर तो बिल्कुल नहीं लग रही है और कल हमने जितना भी दूर तक घूमा हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी है। सो ऑलराइट, आई एम गोना गो। और अभी मेरे जो होटल है हयात वालों ने हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया है। यूजली इनका ब्रेकफास्ट 7 to 11 होगा सैटरडे संडे, बट हम लोग अभी 6 बजे निकल रहे हैं तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रखा है। सो आई एम गोना गो हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कितने बजे क्रॉस करते हैं, क्या लाइन है, कितना क्यू है, आई अपडेट यू गाइज एवरीथिंग। It was around 6:30ish when we left the hotel. I am so happy and so glad that the hotel people actually provided us the breakfast on a very special request because we were leaving super early. Now, as you guys can see, it was like a very early morning, a little bit sunrise was happening, and then we had to cross the border and the hotel staff already told us that बहुत लंबी लाइन होती है एंड विच यू गाइस कैन सी एक्चुअली ट्रैफिक बहुत होता है, बहुत लंबी लाइन होती है टू पास, यू नो, टू गेट इन टू यू एस फॉर द इमिग्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। सो वी वर स्टक इन यू नो दिस लाइन, द बॉर्डर लाइन फॉर लाइक अबाउट 1.5 आवर। धीरे धीरे लाइन चल रही थी, लकीली लाइक आई मेंशन वी हैड द ब्रेकफास्ट, तो किसी को भूख नहीं लगी थी, हम लोग फ्रेश भी ऑलरेडी होके आ गए थे। वी वर जस्ट वेटिंग किसी तरीके से हम इमिग्रेशन जो हमारा बॉर्डर है उसके पास आए, हमारा इमिग्रेशन हो एंड देन वी क्रॉस द बॉर्डर। So yeah, we were there for like one to one and a half hour. तो ऑलमोस्ट 2 घंटे भी मैं बोल सकती हूँ, राइट नाउ आई डोंट लाइक एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम, बट इट वॉज प्रीटी लॉन्ग। सो वंस दैट वॉज डन, यू गाइस कैन सी है बिल्कुल सामने मेरे बॉर्डर है जो अभी यहाँ पे दिख रहा है, और यू गाइस कैन ऑल्सो सी हाउ एग्जॉस्टेड आई एम ऑलरेडी इन द मॉर्निंग, बिकॉज लास्ट नाइट भी मैं अच्छे से नहीं सो पाई थी। लेफ्ट साइड पर मेरे जो है वो है यू नो टैक्सी स्टैंड भी है, और उसके पीछे में पैदल चलने वाला भी मतलब रास्ता है, लाइक जस्ट इन केस अगर आपके पास गाड़ी नहीं है एंड यू हैव टू क्रॉस अ बॉर्डर, बिकॉज बहुत सारे लोग टिवाना से सैन डिएगो जाते हैं काम करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस, तो वो पैदल भी मतलब वे है अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मेरे लेफ्ट साइड पर जो आपको दिख रहा है इट्स लाइक अ सबवे काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें आप जाते हो पैदल और फिर आपका वहाँ आगे जाके इमिग्रेशन होता है बॉर्डर पे, एंड देन यू नो यू हैव अ वर्क परमिट सो यू कैन एंटर US, एंड इसी तरीके से US से भी जब वापस आ रहे होते हैं तो यही होता है। तो यू कैन सी दिस इज़ द सबवे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसी से लोग चल के अंदर की तरफ बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और बिल्कुल मेरे सामने जो है वो बॉर्डर है और वहाँ पे ही इमिग्रेशन होता है। नाउ रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। नाउ वंस द इमिग्रेशन वाज डन वी वर बैक इनटू USA, लाइक जान में जाना ही। सो वेलकम टू कैलिफोर्निया का बोर्ड भी यहाँ पर है एंड वी आर बैक होम। सो वी जस्ट क्रॉस द बॉर्डर, अभी हम लोगों ने स्टारबक्स से कॉफ़ी पिक किया है, या राइट अभी हम लोगों ने इमिग्रेशन अपना क्रॉस किया है, तो अभी कॉफ़ी लिए, कॉफ़ी पियेंगे, देन वील डिसाइड कि हमें ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। अभी गैस स्टेशन पर रुके हम लोग अपना गैस रीफिल करवा रहे हैं। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू ममा। सो फाइनली बैक होम, आई एम सो हैप्पी। आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 आवर मतलब 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने पूरा यू नो क्यू में बिताया बॉर्डर के क्यू में, और फाइनली हम लोग अभी यहाँ पर आ गए। सो इट वॉज वेरी रिलैक्सिंग, फ्रेश हो गए, मैं अंदर गई थी फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो चुके हैं, कॉफ़ी पिकअप कर लिया, बट बहुत लंबी लाइन थी। वी वर प्लानिंग कि वी विल स्टार्ट अर्ली, बट क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाई थी इस वजह से हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट आई एम हैप्पी दैट वी वर एबल टू मेक इट एंड इट वॉज अमेजिंग ट्रिप, वॉज गुड, वी इन्जॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया डेफिनेटली, बहुत सारी चीज़ें देखी, स्पेशली जो US और मेक्सिको का बॉर्डर लाइन है वो हमने देखी, जिसको प्रोजेक्ट ट्रम्प भी बोलते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो भी हम लोगों ने देखा। सो इट वॉज अ रियली नाइस ट्रिप, यू गाइस कैन सी मी, मैं कितना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बिकॉज रात में मैं अच्छे से सोई नहीं थी। सो
लेट्स सी अब हम लोग कहाँ रुकते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफली हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकेंगे, बट अभी यहाँ से घर की जर्नी इज़ ऑलमोस्ट लाइक 8 आवर्स। आप जस्ट रीच सैन डिएगो, तो अभी सैन डिएगो में इंपीरियल बीच करके है, बहुत पॉपुलर बीच है, तो हम लोग वहाँ पर आए हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे एंड देन वी विल बिगिन अ जर्नी बैक टू होम अगेन। और क्या, अभी बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे एंड देखते हैं आगे क्या करना है। हम लोग का, मैंने जैसे बोला, हम लोग का प्लान ऐसे होता है कि अब ये करना वो करना, तो हम वैसे ही कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट मी शो यू गाइस। इट वाज अ वेरी अर्ली मॉर्निंग सैन डिएगो में, जो इंपीरियल बीच है, इट्स लाइक अ वेरी आइकॉनिक बीच हियर। यूजली पीपल गो देयर लाइक यू नो हाउ इन सैन फ्रांसिस्को देयर इज लाइक गोल्डन गेट एंड अदर डिफरेंट थिंग्स, तो इसी तरह की से सैन डिएगो में भी एक इंपीरियल बीच ही है। हम यहाँ पर आए, सुबह आए थे, तो इस वजह से बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, पार्किंग भी आराम से मिल गई बिल्कुल बीच के सामने। अदरवाइज ट्रस्ट मी गाइस, बीच के बिल्कुल सामने पार्किंग मिलना, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो हम लोग कुछ देर तक बीच पे रहे, यू नो वी सैट देयर, वी हैड अ कॉफ़ी, वी रिलैक्स फॉर अ वाइल, बट हमें निकलना था क्योंकि यहाँ से घर का रास्ता वॉज ऑलमोस्ट लाइक 8 आवर्स और ट्रैफिक भी एक्सपेक्टेड था। तो इस वजह से हम लोग थोड़ी देर बैठ के हम लोग निकल गए, हम लोग ज़्यादा देर सैन डिएगो में नहीं रुके। वी माइट कम बैक, वी प्लान दैट वील कम बैक अगेन थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सिटी एंड लेट मी टेल यू इट्स वेरी वेरी क्लीन सिटी। आई मीन मेरे बे एरिया से भी ज़्यादा क्लीन था ये, सो वी वर सो सरप्राइज कि कितना क्लीन करके रखा हुआ है। मे बी बिकॉज इट वेरी क्लोज टू बॉर्डर, इस वजह से इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वेरी क्लीन सिटी एंड ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, क्योंकि हमारा जिधर मैं रहती हूँ उस तरफ तो ठंड बहुत होती है, इधर ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। बीच के बगल में भी था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं थी। सो वी स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन और फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था, हमने सोचा था कि नाउ वील स्टॉप एट LA और हम वहाँ पर लंच करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट वी ऑलरेडी हैड, पर हम बीच में कई जगह रुकते भी हैं जस्ट फॉर कॉफ़ी एंड जस्ट फॉर अ लिटिल ब्रेक। सो सैन डिएगो के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था LA and we also crossed San Diego downtown, which is by the way very beautiful. Like I mentioned, after a while we reached Los Angeles, so we decided to go to the Little India Market जो LA पे, वहीं वापस जाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से लंच करके जाते हैं ना। दिस प्लेस हैज़ बिकम माई फेवरेट स्पॉट, आई एम टेलिंग यू गाइज। हम कभी भी LA क्रॉस करेंगे तो आई थिंक मिनी इंडिया और लिटिल इंडिया जो भी आप बोलो, यहाँ पे तो हम ज़रूर आएंगे, मे बी फॉर लंच और फॉर यू नो इंडियन शॉपिंग, ऑल दोज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। सो दिस इज़ डेफिनेटली आर फेवरेट स्टॉप और आई शुड से फेवरेट प्लेस। And then I must say कि this place has become like one of our favorite place. We always stop here. So while returning back home, अभी हम फिर से यहाँ पर रुके हुए हैं अपने quick lunch के लिए। तो हम लोगों ने Indian खाने का सोचा, तो हम लोग फिर से यहाँ पर रुके हैं। And I must tell you, if you ever visit LA, please do come to Little India. आप सब कुछ आपको इंडिया से रिलेटेड मिलेगा, खाना, कपड़े, ग्रॉसरी, ज्वेलरी, इवन वेडिंग शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हो। सो इट्स रियली नाइस। अभी फटाफट खाना खा के, खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, वी स्टार्ट ड्राइव अगेन। यहाँ से 6 घंटे है हमारा घर, सो लेट्स सी और कितना ट्रैफिक मिलता है क्या है। अभी तक तो मतलब वॉज ओके, बस बॉर्डर पे हम लोग को थोड़ा ट्रैफिक मिला था, अदरवाइज यहाँ तक आने में तो कुछ ऐसे जितना ट्रैफिक नहीं मिला है। सो या आई एम हैप्पी दैट वी आर बैक हियर अगेन एंड इट्स नाइस टू बी बैक हियर इन लिटिल इंडिया LA। यू गाइस कैन लिटरली फिगर इट आउट फ्रॉम माई फेस दैट I am super tired and exhausted. The reason is that I didn't had a good sleep last night, so that's why I was super exhausted and super tired. And then we, after having a really good lunch from this Ashoka restaurant, we started our journey again. And then our next stop was like ya beach mein kahin rukke, you know, maybe evening tea we'll have. We'll like thoda lamba jo stop lenge. So we stopped at this Punjabi dhaba at Bakersfield, which is like very popular for all the Indian chai and evening snacks. So we stopped here, we had a chai, we had little bit snacks, maybe pakora or something, and then we started our journey again. Bahut raat ho gayi thi, thand ke time pe yahan pe raat bhi jaldi ho jati hai, so it was around like 5ish something. We started journey again and then I think by 8 or 8:30 we reached home, but I was so exhausted and so tired. But this trip was really amazing,
We created a really good memories and it was so nice to be there on Tijuana. But thank you so much for watching this vlog. I will catch you guys super soon with a new vlog. Tab tak ke liye, bye.